हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रोशन एंड अंकिता ट्रैवलिंग चैनल। आज हम आए हैं आळंदी और देहू का दर्शन करने। आळंदी में हम सबसे पहले ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के पास जाने वाले हैं और उसके साथ ही हम तुकाराम महाराज का भी दर्शन करने जाने वाले हैं देहू। तो ये दोनों चीज़ों की सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में आपको देंगे, साथ ही यहाँ पे देखने वाली सारी चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। अभी हम खड़े हैं इंद्रायणी नदी पे और उसका भी सारा वीडियो आपको आज देखने मिलेगा। तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेंगे। आज हम पुणे से जा रहे हैं देहू आळंदी का दर्शन करने। पुणे से आळंदी 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो आज हम सबसे पहले जाएंगे आळंदी ज्ञानेश्वर महाराज का दर्शन करने। आळंदी जाने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप आपके ओन व्हीकल से जाना चाहते हो तो मैं लोकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उसे फॉलो करके आळंदी तक पहुंच जाओगे। उसके बाद अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हो तो बस के आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, या फिर अगर आप ओला उबर से जाना चाहते हो तो आप वैसे भी जा सकते हो। बस के ऑप्शंस देखने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है पुणे टू आळंदी बसेस, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएंगी। बस के टाइमिंग्स क्या है, बस से वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, साथ में टिकट्स कितने हैं, ये भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे ही मिल जाएगी। तो अभी हम आळंदी ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। आळंदी तक पुणे से हमें पहुँचने के लिए लगभग 1 घंटा लगा है। ये जो सामने आप देख रहे हो ये है विश्व शांति स्तंभ। इसे देख के आपको समझ जाना है कि हम आळंदी पहुंच चुके हैं। और ये है इंद्रायणी नदी। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमें आळंदी का मेन गेट मिलेगा। मेन गेट से एंट्री लेने के बाद हमें पार्किंग एरिया मिलेगा। तो ये पार्किंग एरिया है बहुत बड़ा सा और 100 रुपीज पार्किंग है 4 व्हीलर के लिए। यहाँ पे पार्क करने के बाद अभी हम जाने वाले हैं समाधि स्थान। मंदिर में जाने से पहले हम इंद्रायणी नदी के दर्शन कर लेंगे। संत ज्ञानेश्वर महाराज का समाधि स्थान आळंदी में इंद्रायणी नदी बहती है। यहाँ पे मंदिर में जाने से पहले लोग पूजा करते हैं और उसके बाद ही मंदिर में जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज्यादा भीड़ है नदी पे। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद और थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम जाएंगे मंदिर में। ये है विश्व शांति स्तंभ। तो इंद्रायणी नदी पे ही आपको विश्व शांति स्तंभ देखने मिलेगा। इंद्रायणी नदी पे लोग आपको फूल अर्पित करते हुए पूजा करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे अभी हमने दर्शन ले लिए हैं, अभी हम जाएंगे मंदिर की ओर जहाँ पे ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि ली है। तो मंदिर में जाते वक्त आपको बहुत सारी फूलों की मालाओं की दुकानें मिलेगी। वहाँ पे आपको विट्ठल रुक्मिणी की बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ भी देखने मिलेगी, आप उसे परचेज कर सकते हो। मंदिर में जाने वाले भाविक वहाँ से विट्ठल रुक्मिणी की मूर्तियाँ और मालाएँ भगवान के लिए लेते हुए जाते हैं। ये आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां हमें वहां पे देखने मिली। ये मार्केट से बाहर निकलने के बाद आपको संत ज्ञानेश्वर महाराज के मंदिर का दर्शन होगा। तो ये है मेन प्रवेश द्वार, यहाँ से हमें अंदर जाके दर्शन लेना है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने उम्र के 21 साल में ही 1218 साल में यहाँ पे समाधि ली थी। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं मंदिर। Yeah.
मंदिर में हर जगह आपको लोग पारायण करते हुए दिख रहे होंगे और मंदिर की बहुत ही सुंदर तरीके से सजावट भी की है। और आज बहुत ज़्यादा भीड़ भी आपको दिख रही होगी, वो इसलिए क्योंकि 16 सितंबर 2022 को ज्ञानेश्वर महाराज की जयंती मनाई गई हुई है और उसी अवसर पे यहाँ पे 4 दिनों का पारायण रखा था। और जिस दिन हमने विजिट किया उस दिन चौथा और आखिरी दिन था पारायण का, तो हमें बहुत सारे लोग वहाँ पे पारायण करते हुए दिखे। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही प्रसन्न माहौल है मंदिर का और इसी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। मंदिर में दर्शन करने के लिए लंबी लाइंस लगी हुई है, तो चलिए फिर अभी हम दर्शन करने जाते हैं और साथ ही मैं आपको मंदिर का परिसर भी दिखाती हूँ। मंदिर में अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको मंदिर अंदर से नहीं दिखा पाऊंगी, बट यहाँ पे आप स्क्रीन पे दर्शन कर सकते हो। संत ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म अहमदनगर जिले में पैठन के पास अपे गांव में 1275 साल में हुआ है। भारत में ऐसे कई संत होके गए जिन्होंने दुनिया को ज्ञान दिया, उनमें से ही एक ज्ञानेश्वर महाराज थे। संत ज्ञानेश्वर महाराज की जयंती पर लोग उन्हें प्रार्थनाएं कर अच्छा ज्ञान देने के लिए याद करते हैं। अपने बचपन में संत ज्ञानेश्वर भी बाकी बच्चों की तरह ही थे, लेकिन छोटी उम्र में ही ज्ञानेश्वर महाराज को जाति से बहिष्कृत कर दिया गया था, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ा। बचपन में ही उन्होंने संस्कृत में लिखी गई गीता का अनुवाद मराठी में कर दिया था। उनके पास रहने तक के लिए घर नहीं था, सभी ने उन्हें सन्यासी के बच्चे कहकर तिरस्कृत कर दिया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो कठोर तपस्या करते रहे। उनकी ज्ञान से ही कई जीवों का उद्धार हुआ। ज्ञानेश्वर जी के प्रचंड साहित्य में कहीं भी किसी के विरुद्ध परिवाद नहीं है, क्रोध, रोष, ईर्ष्या, मत्सर कहीं लेश में भी नहीं है। अपने भाई के माध्यम से ज्ञानेश्वर जी पर धार्मिक मार्ग चुनने का अवसर सदैव रहा। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी है संत ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में और अभी हमने मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं, तो अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम जाएंगे अजान वृक्ष का दर्शन करने, यहीं पे ज्ञानेश्वर महाराज को ज्ञान प्राप्ति हुई। ये अभी हम अजान वृक्ष के नीचे खड़े हैं जहाँ पे ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि ली थी और जो इसी वृक्ष की एक काठी वो यूज़ करते थे समाधि लेते वक्त, उन्होंने वो साइड में रखी थी और उसी से इतना बड़ा ये पेड़ बना है। और एकनाथ महाराज ने अपने अभंगों में कहा भी है कि इस वृक्ष में मृत्यु को जीतने की ताकत है। यहाँ पे बैठ के लोग पारायण करते हैं घंटों, क्योंकि ऐसा कहा जाता है यहाँ पे बैठ के ज्ञानेश्वरी पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पे जब हमने इस वृक्ष का महत्व पूछा तो हमें पता चला, जैसे कि मैंने बताया था कि एक काठी से ये इतना बड़ा वृक्ष तैयार हुआ था। और जब संत ज्ञानेश्वर महाराज ने इस वृक्ष के नीचे समाधि ली थी, पेड़ बड़ा होने लगा और उसकी जड़ें उनके गले तक आने लगी। और ये बात उन्होंने संत नामदेव महाराज के सपने में आके बताई कि ये जड़ें मेरे गले तक आ रही है, तो इसे आप निकालिए। और उसके बाद संत नामदेव महाराज ने उसे निकाला और वहाँ पे उस टाइम पे बहुत बड़ा भंडारा भी हुआ था, ऐसा हमें वहाँ पे पूछने पे पता चला। वो इतने ज़्यादा कुशल व्यक्तित्व के धनी थे कि लोग मात्र उनकी बोली से ही आकर्षक होकर ज्ञान धारण करते थे, उनकी तरफ खींचे चले आते थे। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत ज्ञान हासिल किया, उन्होंने कई धार्मिक सभाओं में भी भाग लिया था। इन सभाओं से ही उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने हिंदू धर्म को बेहतर ढंग से समझना शुरू कर दिया। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी लिखी जो कि गीता पर आधारित है और उसमें उन्होंने जीवन की सच्चाई बताई हुई है। तो अभी हमने अजान वृक्ष का दर्शन कर लिया है, अभी हम आगे बढ़ेंगे।
मंदिर में लड्डू का प्रसाद भी मिलता है, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हो। प्रसाद लेने के बाद हम जाने वाले हैं अगली जगह पे, जो कि है ज्ञानेश्वर महाराज ने चलाई हुई भिंत। और ये छोटा बच्चा भी हाथ पे विट्ठल निकालने वाला है। तो अभी हम आए हैं ज्ञानेश्वर महाराज ने जो भिंत चलाई थी वहाँ पे। यहाँ पे ज्ञानेश्वर महाराज ने ये भिंत चलाई थी जब चांगदेव आए थे वाघ पे, उनको गर्व आया था। तब ज्ञानेश्वर महाराज ने बोला कि आप अगर वाघ पे आ सकते हो तो मैं ये दीवार चला सकता हूँ। तो ये है वो ज्ञानेश्वर महाराज ने चलाई हुई भिंत। संत ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि मंदिर से ये जगह सिर्फ 300 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो जब भी आप मंदिर में आ रहे हो इस जगह को जरूर विजिट करें, क्योंकि इसके बारे में हमारी एक हिस्ट्री है। इस जगह का महत्व ऐसे है, जब चांगदेव गर्व में आके वाघ पे बैठ के संत ज्ञानेश्वर के सामने आए थे, उस वक्त संत ज्ञानेश्वर महाराज ने मराठी में कहा था, जर तू गर्वात येऊन माझ्या पुढे वाघावर बसून येत असेल तर मी ही मातीची भिंत ही चालवू शकतो। और उस वक्त उन्होंने ये मिट्टी की दीवार चलाई थी। इसके बाजू में ही मंदिर है। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम अगली जगह के लिए निकलेंगे। अभी हम उस जगह पे आए हैं जहाँ पे ज्ञानेश्वर महाराज के पीठ पे मुक्ताबाई ने मांडे भाजे थे। तो यहाँ पे जब ब्राह्मण लोग उन्हें परेशान करते थे और रास्ते में आते वक्त उनके मटके फूट गए थे, तो उस टाइम पे उन्होंने घर पे आके ज्ञानेश्वर के पीठ पर ही मांडे भाजे थे। तो ये वो जगह है। इस जगह की अगर आपको मैं हिस्ट्री बताऊं तो मुक्ताबाई ज्ञानेश्वर महाराज की बहन, मुक्ताबाई को ज्ञानेश्वर महाराज ने मांडे बनाने के लिए कहा, और मांडे बनाने के लिए मुक्ताबाई खापर लाने के लिए गए। उस वक्त रास्ते में आते हुए उनके खापर फोड़ दिए गए। उन्हें समाज से बहुत तिरस्कार मिलता था, उन्हें सन्यासी के बच्चे कहा जाता था। उस वक्त लोग उन्हें बहुत तकलीफ देते थे। वो खापर फूटने के बाद मुक्ताबाई जब छोटा सा चेहरा करके घर आए, तब ज्ञानेश्वर महाराज ने उन्हें कहा कि आप मेरे पीठ पे ही मांडे बनाइए। तो उस वक्त उन्होंने अपनी पीठ को गर्म किया और उस पे मुक्ताबाई ने मांडे बनाए थे। तो ये चमत्कार हुआ था कि पीठ पे मांडे बनाए वो इसी जगह पे हुआ था। और जिन लोगों ने तिरस्कार किया था वो लोग भी प्रसाद बोल के मुक्ताबाई के हाथ के मांडे खाने उस वक्त आए थे। ऐसी इस जगह की स्टोरी है। इसके बाद अभी हम अगली जगह पे जाएंगे। आरंदी के पास 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे गजानन महाराज मठ है, वहाँ पे अभी हम आए हैं। आपको गूगल मैप पे मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए फिर दर्शन करते हैं। आप जब भी आरंदी विजिट कर रहे हो, गजानन महाराज का मठ विजिट करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि बहुत ही सुंदर है। ये है इसका एंट्रेंस जो कि बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, और यहाँ से अंदर जाने के बाद आपको ये मंदिर दिखेगा। दोनों साइड से सीढ़ियाँ है और बहुत ही सुंदर बनाया है ये मंदिर। तो चलिए फिर अभी हम दर्शन करते हैं। मंदिर में रहने की और खाने पीने की भी सुविधा है, तो आप यहाँ पे स्टे के लिए भी आ सकते हो। और पुणे से तो ये बहुत ही पास है। अगर आप आरंदी नहीं आ रहे हो तो सिर्फ गजानन महाराज के मठ में भी आ सकते हो, ये इतना सुंदर है। आपने अगर कभी शेगांव में गजानन महाराज का मंदिर विजिट किया है तो उसी के जैसी सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है, रहने की, खाने की, वो भी बहुत ही कम पैसों में। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊंगी। यहाँ पे भक्त निवास भी है, अगर आपको यहाँ पे रहना है तो बहुत ही कम प्राइस में आप यहाँ पे रह भी सकते हैं। तो ये है भक्त निवास, एंट्रेंस से ही सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। यहाँ पे प्रसाद भी मिलता है, बहुत ही अच्छा खाना होता है। प्रसाद का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात में 8 बजे तक। मंदिर के दर्शन तो हो चुके, अभी हम निकलेंगे देहू के लिए।
गजानन महाराज के मठ से देहू का डिस्टेंस सिर्फ 15 किलोमीटर है। तो अभी हम जा रहे हैं देहू तुकाराम महाराज की जन्मभूमि। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हो तो आणंदी से आपको बसेस भी बहुत ही इजीली मिल जाएंगे देहू जाने के लिए। आप एक बार गूगल पे टाइमिंग्स चेक कर लो ताकि अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सको। तो अभी हम आए हैं तुकाराम महाराज की जन्मभूमि देहू में। ये आणंदी से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो चलिए फिर अभी हम तुकाराम महाराज के दर्शन करते हैं। सबसे पहले आपको ये बड़ा सा मेन गेट दिखेगा। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा देहू का मेन एंट्रेंस गेट। वहाँ पे आपको गाड़ी पार्क कर लेना है और उसके बाद हम जाएंगे मंदिर में। गेट से एंट्री लेने के बाद आपको एक छोटा सा मार्केट एरिया मिलेगा। यहाँ से आप फूल हार ले सकते हो और उसके बाद हम जाएंगे दर्शन करने। देहू में आते ही आपको ये महाप्रवेश द्वार सबसे पहले दिखेगा। ये है तुकाराम महाराज का मंदिर। सबसे पहले हम दर्शन करने जाएंगे तो ये मेन एंट्रेंस गेट आज बंद है तो हमें पीछे से जाना है। तो चलिए फिर चलते हैं दर्शन करने। अंदर जाने के बाद शायद कैमरा अलाउड ना हो तो मैं आपको मंदिर अंदर से नहीं दिखा पाऊँ, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। तो यहाँ से हमें मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है। वीकेंड है तो थोड़ी सी भीड़ है, थोड़ी लाइन हमें लगानी पड़ेगी और उसके बाद हम दर्शन लेके अगली जगह पे जाएंगे। देहू में मंदिर के अलावा आपको वैकुंठ गमन, गाथा मंदिर और भंडारा डोंगर, ऐसी बहुत सारी जगह है देखने के लिए। तो आज वो सारी हम वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप देहू और आणंदी दोनों एक दिन नहीं प्लान करना चाहते तो आप एक दिन देहू और एक दिन आणंदी भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि दोनों जगह पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। आपका एक दिन पूरी तरीके से एक ही जगह पे स्पेंड हो सकता है। तो अभी हमारा दर्शन हो चुका है और ये सारा मंदिर का परिसर भी मैंने आपको दिखा दिया है। भजन कीर्तन यहाँ पे हमेशा चलते रहता है तो बहुत ही प्रसन्न ऐसा माहौल यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। संत तुकाराम महाराज का जन्म पुणे जिले के देहू में ही हुआ था। इनके घर के सारे लोग पंढरपुर की यात्रा, जिसे वारी कहते हैं, उसके लिए नियमित रूप से जाते थे। देहू गांव के महाजन होने के कारण वहां इनका कुटुंब प्रतिष्ठित माना जाता था। जब तुकाराम महाराज 18 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया, साथ ही इनकी पहली पत्नी और बालक का भी मृत्यु हो गया। इनकी दूसरी पत्नी जीजाबाई बड़ी ही कर्कशा थी। ये सांसारिक सुखों से विरक्त हो गए। चित्त को शांति मिले इस विचार से तुकाराम प्रतिदिन देहू गांव के पास भंडारा डोंगर है वहाँ पे जाके बैठते थे और भगवान विट्ठल के नाम स्मरण में दिन व्यतीत करते थे। हम आज वो भंडारा डोंगर भी वीडियो में विजिट करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। है इंद्रायणी नदी जो हमने आणंदी में देखी थी, देहू में भी सेम वही नदी बहती है। तो यहाँ पे दर्शन करके हम आगे निकलेंगे। संत तुकाराम महाराज का यहाँ पे वाड़ा है जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वो देखने हम इसके बाद जाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। ये है संत तुकाराम महाराज का जन्म स्थान, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था और यहीं पे वो रहते थे। तो चलिए फिर अभी हम दर्शन करते हैं और मैं आपको वाड़ा भी दिखाऊंगी। ये है उनका वाड़ा जहाँ पे वो रहते थे और यहाँ पे जीजाबाई की, उनकी पत्नी की मूर्ति भी है। तो चलिए हम दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसा पता चला कि
जीजाबाई संत तुकाराम महाराज के लिए भाकरी बना के भंडारा डोंगर पर लेके जाती थी। भंडारा डोंगर यहाँ से 7 किलोमीटर है और वहाँ तक वो पैदल जाते थे। उस टाइम वहाँ पे जाने के लिए अच्छे रास्ते भी नहीं थे, रास्ते में पत्थर पड़े रहते थे और उस अवस्था में वो 7 किलोमीटर चल के जाके तुकाराम महाराज के लिए भाकरी लेके जाते थे। तो अभी ये मेन गेट से बाहर निकलने के बाद सामने ही आपको दिखेगा वैकुंठ गमन। ये है वैकुंठ गमन, वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। वैकुंठ गमन का महत्व ऐसे है, तुकाराम महाराज की मृत्यु नहीं हुई थी, उन्हें इस जगह पे गरुड़ पक्षी आके विमान की तरह वैकुंठ में लेके गए थे। ये वैकुंठ गमन का मेन एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री लेके हम जाएंगे और देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सुंदर पिक्चराइजेशन करके हमें बताया गया है कि किस तरह संत तुकाराम महाराज वैकुंठ में गए थे। गरुड़ पक्षी उन्हें स्वयं लेने आया था और उस पे बैठ के वो विमान की तरह वैकुंठ में गए हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर प्रेजेंट किया है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त की कैसी सिचुएशन होगी और कैसे ये सारी बातें हुई होगी। इसलिए आपने देखा भी होगा पीछे वीडियो में, तुकाराम महाराज की मंदिर में गरुड़ मंदिर भी था, तो यही वो गरुड़ मंदिर का महत्व है। और ये वैकुंठ गमन में बहुत ही सुंदर मंदिर भी आपको देखने मिलेगा। वैकुंठ गमन का दर्शन होने के बाद अभी हम आए हैं गाथा मंदिर। गाथा मंदिर वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेन गेट है, अभी हम अंदर जाएंगे, बहुत सुंदर मंदिर है। तो ये है गाथा मंदिर, मेन एंट्रेंस गेट से एंट्री लेने के बाद आपको ये मंदिर दिखेगा। बहुत ही सुंदर बनाया है मंदिर। तुकाराम महाराज ने लिखे हुए करीब करीब 4,500 अभंग है और वो इस मंदिर में आपको संगमरवर पे लिखे हुए दिखेंगे। तो चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर अंदर से भी बहुत सुंदर है और बहुत मेहनत लगी है ये मंदिर बनाने में, ऐसा आपको देखने मिलेगा, क्योंकि 4,500 के आसपास जो अभंग है वो दीवार पे लिखना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसे बनाने में भी बहुत टाइम लगा होगा और हमें आज ये इतना सुंदर मंदिर देखने मिल रहा है। तो जब भी आप देहू दर्शन करने जा रहे हो, गाथा मंदिर को ज़रूर विजिट करिए। तो चलिए अभी दर्शन करते हैं। आप देख सकते हो मंदिर में दीवारों पे सारे अभंग लिखे हुए हैं तुकाराम महाराज के। गाथा मंदिर का हमने दर्शन कर लिया है, इसके बाद हम जाएंगे भंडारा डोंगर। भंडारा डोंगर यहाँ से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। पहले यहाँ पे रास्ता अच्छा नहीं हुआ करता था, बट अभी यहाँ पे बहुत अच्छा रास्ता है, आप यहाँ पे आपका व्हीकल लेके इजीली जा सकते हो। तो हम निकले हैं, अभी ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं, तो अंधेरा हो गया है और बारिश की वजह से पूरे रास्ते में फॉग है। तो चलिए फिर चलते हैं। 7 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस करने में हमें 15 मिनट्स लगेंगे आसपास और ये हम ऊपर पहुंच गए हैं भंडारा डोंगर पे। आप देख सकते हो फॉग कितना है यहाँ पे और रात हो चुकी है, तो हम आपको एग्जैक्ट पूरा नहीं दिखा पाएंगे, बट ये है मंदिर। जो आपने अगर स्टोरी सुनी होगी, वो भजन सुना होगा अगर आपने,
रुतलाबाई काटा कान्हा ने काढ़िला, ये भजन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जीजाबाई यहाँ पे संत तुकाराम महाराज के लिए खाना लेके आते थे 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और तब रास्ते अच्छे नहीं थे तो उस वक्त उनके पैर को काटा लग गया था, और वो काटा निकालने के लिए स्वयं भगवान स्वयं विट्ठल वहाँ पे आए थे और उन्होंने वो काटा निकाला था। तो ये दृश्य यहाँ पे आप देख सकते हो काटा निकालते हुए जीजाबाई का। तो ये है उस वक्त की इस जगह की कहानी। और उसके बाद जब संत तुकाराम महाराज ने जीजाबाई को पूछा कि आज आपको आने में देर क्यों हुई, तब जीजाबाई ने बताया कि मेरे पैर में काटा आया था, तो वो निकालने के लिए एक बच्चा आया और उसने ये काटा निकाला, उसकी वजह से मुझे देर हो गई। और संत तुकाराम महाराज समझ गए कि काटा निकालने के लिए स्वयं भगवान आए थे, और उन्होंने कहा मैं इतने दिनों से तपस्या कर रहा हूँ बट मुझे भगवान नहीं मिले और आपको मिल गए। और ये है संत तुकाराम महाराज जहाँ पे भजन कीर्तन करते थे, वो डोंगर, इसे भंडारा डोंगर करके जाना जाता है। और यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है, हमने सोचा भी नहीं था कि ऊपर जाने के बाद हमें इतना सुंदर मंदिर देखने मिलने वाला है, बट यहाँ पे जब हम आए ये इतना ब्यूटीफुल सजाया हुआ मंदिर हमें देखने मिला। तो आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।